कुमार और आप देख रहे हैं टेक्टिक। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आर्डुइनो यूनो के बारे में। और आर्डुइनो यूनो एक हार्डवेयर की किट है और इसमें आप देख सकते हैं, और साथ में इस किट के साथ एक ब्रेडबोर्ड है और साथ में कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, और इसको यूज़ करके हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। गाइस, जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को इसमें लगता है वो ये है कि हम जो भी प्रोग्राम हम राइट करेंगे, इसका एक सॉफ्टवेयर होता है आर्डुइनो के नाम से, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद प्रोग्राम इस किट के अंदर अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद उस प्रोग्राम में जो भी हमने आउटपुट हमें चाहिए होती है वो आउटपुट हमें दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको बताऊँगा कि एलईडी लाइट्स है मेरे पास, तो एलईडी लाइट को कैसे मैं प्रोग्राम में सेट करूँगा, उसके बाद जो भी इसमें प्रोग्राम अपलोड होगा, अपलोड के बाद जो भी आउटपुट आएगी तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं आर्डुइनो को यूज़ करके। ओके गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो ये है मेरे पास सर्किट बोर्ड, इसके अकॉर्डिंग मैं कनेक्शन करूंगा, और ये है आर्डुइनो का बोर्ड। तो आर्डुइनो को बोर्ड में कैसे कनेक्शन करते हैं, तो अभी मैं करूंगा कनेक्शंस। सबसे पहले जो मैं कनेक्ट करूंगा, जो ग्राउंड है, जो कॉमन सभी को ग्राउंड देंगे, मैं ग्राउंड का कनेक्शन करूंगा जीएनडी का। तो एक ग्राउंड होता है, ये नेगेटिव होता है, उसके बाद मैं ये एलईडी से कनेक्शन करूँगा। एलईडी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसका भी ध्यान रखना है, जो नेगेटिव एंड है ये हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव एंड है वो जो पिन्स नंबर होंगे उनसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर एक एक करके एलईडी लाइट को लगा रहा हूँ। जो इसका आपने ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव एंड होगा वो आपने ग्राउंड से ही कनेक्ट करना है, अदरवाइज जो अगर कोई भी कनेक्शन उल्टा हो जाता है तो लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, एलईडीज ब्लिंक नहीं होगी। तो गाइस, ये इसमें जो मैंने यहाँ पर ये ग्राउंड को कनेक्ट किया, कॉमन सभी को इस वायर के थ्रू ही ग्राउंड प्रोवाइड हो रहा है, और जो इसका पॉजिटिव एंड है उसके लिए मैं एक एक करके वायर्स को लगाऊंगा अभी। सबसे पहले मैंने इस वायर को लगाया जो आर्डुइनो के ऊपर 13 नंबर था, 13 के साथ उसको फिर 12 ऐसे करके। गाइस, यहाँ से 12 से लेकर के 13 तक पिन है आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर, जिनको मैं एक एक करके एलईडी से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, इसके बाद जैसे मैं कनेक्शन कंप्लीट कर दूँगा उसके अकॉर्डिंग फिर मैं जो प्रोग्राम में इन पिन्स का ध्यान रखूँगा, इन पिन्स के अकॉर्डिंग कि किसको कौन से पिन को कब हाई करना है लो करना है उस प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे। तो पिन्स भी जो होंगी उसमें डिफाइन करूँगा जिनको मैं वो 2 से लेकर के 13 तक ही होंगे। तो गाइस, तो मेरा ये कनेक्शंस भी कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो ये केबल है, जो ये केबल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है सिस्टम के साथ, इसको मैं भी कनेक्ट कर दूँगा। और अब मैं अपने सिस्टम पर आ गया हूँ जहाँ पर हम आर्डुइनो को, जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर हैं उसका, आप उसके आर्डुइनो के सॉफ्टवेयर के लिए आप गूगल पे जाकर के सिंपल उसको सर्च कीजिए, और यहाँ से आप सिंपली जो आर्डुइनो की आईडीई है वहाँ को उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें हम प्रोग्राम को राइट करेंगे। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से फिर ऑप्शन आता है विंडो इंस्टॉलेशन का या फिर लिनक्स मैक, तो विंडो पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए और ये सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये पेड ना करके आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, ये फ्री में यहाँ से डाउनलोड हो गया है। तो गाइस, तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो मैंने अपना डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया। तो अभी मैं उसमें ओपन करूँगा, तो इसके अंदर हम प्रोग्राम को राइट करेंगे। इसमें मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख दिया है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि 2 से लेकर के 13 पिन्स हैं वो, तो उनको मैंने सभी को इनिशियलाइज कर दिया है इंट के, तो सारी पिन्स में मैंने एलईडी 1, 2, 3 तो आप 1 से 12 तक मैंने, उसके बाद बॉयड लूप चलाना है तो फिर उसके बाद मैंने जो एलईडी 1 हाई लो, तो कौन सी एलईडीज कब हाई होनी चाहिए लो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा प्रोग्राम राइट किया है। तो एक एलईडी लो कब होगी, फिर सेकेंड कब होगी। और गाइस, आप यहाँ से
देख सकते हैं यहाँ पर हमें ना सेलेक्ट करना होता है बोर्ड को, सेलेक्ट करने के लिए टूल्स में जाकर के बोर्ड, ये बोर्ड जो यहाँ पर मेरे पास बोर्ड है ये है आर्डिनो यूनो का, तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेना चाहिए और साथ में ही हमें एक पोर्ट को भी सिलेक्ट करना है सीरियल पोर्ट में, सीरियल पोर्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है। ओके, इन दो चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ पर आप ना फाइल में जा कर के यहाँ पर एग्जांपल्स में देख सकते हैं, आपको यहाँ से कोडिंग्स भी मिल जाती है, जैसे ब्लिंक की हो गया या फिर कंट्रोल सेंसर कंट्रोल्स का, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से एग्जांपल्स में हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ से मैंने इसको अपलोड कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया है, ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। ओके गाइस, तो ये कंपाइलेशन डन हो गया, ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल है, कोई एरर नहीं है इसमें, अगर कोई एरर आता तो यहाँ पर शो करता है। उसके बाद ये जो बटन है इस पर अपलोड का, इस जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया। गाइस ये अपलोड जो प्रोग्राम है सीधा मेरे उस आर्डिनो की जो हार्डवेयर है उसके अंदर अपलोड हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे ये अपलोड होता है उसके बाद जस्ट ये ब्लिंक करना, जैसे मैंने बोर्ड में इसमें दिखाया था वैसे वो ब्लिंक हो रहा है। तो गाइस ये बड़ा ही सिंपल होता है। और गाइस ये अगर यहाँ से कोई भी कनेक्शन लूज होता है तो वो लाइट ब्लिंक भी नहीं होती है। आप इसको जैसे मैंने ये तो कुछ एक लाइट्स लगाई हैं, जैसे भी आप जिस भी सीक्वेंस में आप इनको ब्लिंक कराना चाहते हैं करा सकते हैं। आप इसकी जगह काफ़ी सारी LEDs लाइट भी लगा सकते हैं, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। Okay guys, please like, share and subscribe my channel for more practical knowledge. Take care, bye bye.